हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाग बगीचा। और हम आज की इस वीडियो में मैं आपको कोलियस प्लांट की कटिंग लगाना सिखाऊंगी। ये देखिए, ये मेरा कोलियस प्लांट है जो मैंने आज से 2 महीने पहले कटिंग से ही ग्रो किया था। और ये देखने में आप देखिए कितना घना और बुशी हो गया और सुंदर लग रहा है। आप भी इसी तरह कोलियस प्लांट की कटिंग घर पर आसानी से लगा सकते हैं। इसके लिए आपको कोलियस की कुछ टिप वाली कटिंग लेकर आनी है और इसको आप कहीं बाहर से कटिंग लेकर आ रहे हैं तो इसको कुछ देर पानी में रख दें और फिर इसको ग्रो करें। इसके लिए आपको बैलेंस सॉइल तैयार करके रखनी है। बैलेंस सॉइल में 40% गार्डन सॉइल, 30% बालू मिट्टी और 30% कंपोस्ट लेकर आप बैलेंस सॉइल तैयार कर लें। और फिर इसकी कटिंग लेकर इसके नीचे वाले सारे पत्ते हटा देने हैं। इसके टिप के कुछ पत्तों को ही रहने देना है और इस तरह से हटा के आप मिट्टी में एक होल करके इसको एक इंच नीचे मिट्टी के अंदर इसको दबा दें और मिट्टी को प्रेस कर दें। इसी तरह से आप कोलियस की सारी कटिंग लगा लें। इसी तरह से मैं भी कोलियस की सारी कटिंग को लगा लेती हूँ। आप कोलियस को कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग आप पानी में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आप एक कोलियस की लंबी कटिंग लेकर पानी में कुछ दिनों के लिए रख दें और उसकी रूटिंग आपको दिखाई देगी। इसको आप घर में ज़रूर लगाएं। यह कई कलर में आता है और देखने में सुंदर लगता है इसको आप फुल वाटरिंग कर दें। फुल वाटरिंग करने के बाद इसको आप 7 से 10 दिन सेमी शेड एरिया में रख दें और इस कटिंग को आप अगली बार पानी इसकी मिट्टी को चेक करके ही दें, नहीं तो आपकी कटिंग ख़राब हो सकती है। और इसकी मिट्टी को थोड़ा टैप कर दें। आप भी इसको आसानी से अपने घर पर ज़रूर लगाएं, यह देखने में बहुत सुंदर लगता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।